हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले मिनिमम फेज सिस्टम के बारे में। तो मिनिमम फेज सिस्टम ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये मिनिमम फेज सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के पेपर में, प्रीलियम्स में बेसिकली पूछा जाता है मिनिमम फेज सिस्टम के ऊपर क्वेश्चंस। 22 में भी पूछा गया था रिसेंटली, अभी जो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का जो पेपर हुआ उसमें भी पूछा गया था मिनिमम फेज सिस्टम के बारे में। आप प्रीलियम्स का पेपर चेक कर लेना, इससे पहले भी पूछा गया था एक दो साल पहला, आप नोट डाउन कर लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिनिमम फेज सिस्टम, और एकदम सिंपल सा भी है। तो यहाँ पर आप देखो मिनिमम फेज सिस्टम का मतलब क्या होता है, हम लोग कौन से सिस्टम से डील कर रहे होते हैं, LTI सिस्टम से। तो जो LTI सिस्टम होगा उसको हम लोग मिनिमम फेज सिस्टम तभी बोलेंगे जब उसका इन्वर्स सिस्टम कॉजल रहेगा और स्टेबल रहेगा। कॉजल सिस्टम रहेगा मतलब जो इंपल्स रिस्पॉन्स होगा वो आपको टी ग्रेटर देन जीरो के लिए मिलेगा, और स्टेबल रहेगा मतलब बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट क्राइटेरिया को फॉलो करेगा। तो किसी भी सिस्टम को हम लोग, किसी भी LTI सिस्टम को हम लोग मिनिमम फेज सिस्टम तभी बोल सकते हैं जब उसका इन्वर्स सिस्टम हमें कॉजल और स्टेबल मिले। इन मिनिमम फेज सिस्टम ऑल जीरोस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लो। इन मिनिमम फेज सिस्टम ऑल जीरोस शुड बी लोकेटेड इन लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन सो दैट इट्स इन्वर्स सिस्टम विल रिमेन कॉजल एंड स्टेबल। मिनिमम फेज सिस्टम में सारे के सारे जो जीरो है वो एस प्लेन के लेफ्ट हाफ में रहना चाहिए, जब जाके जो इन्वर्स सिस्टम होगा वो आपको कॉजल और स्टेबल मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग कुछ ट्रांसफ़र फंक्शन कंसिडर कर लेते हैं जिसके हेल्प से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा मिनिमम फेज सिस्टम के रिगार्डिंग। यहाँ पर हमने ये पहला वाला ट्रांसफ़र फंक्शन कंसिडर किया एच ऑफ एस, यहाँ पर ये एस माइनस टू एस प्लस थ्री, डिनोमिनेटर में एस प्लस वन एस प्लस फोर एस प्लस सिक्स। यहाँ पर ये दूसरा ट्रांसफ़र फंक्शन हमने कंसिडर किया, जो जीरोज है वो सेम है और जो पोल है वो भी सेम है। सिमिलरली यहाँ पर हमने कंसिडर किया है तीसरा वाला ट्रांसफ़र फंक्शन। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप ये तीनों ट्रांसफ़र फंक्शन में आप देखो, तीनों में जो पोल आपको जो मिल रहे हैं वो सेम मिल रहा है, मगर जो जीरोज़ आपको जो मिल रहा है एस माइनस टू एस प्लस थ्री, एस माइनस टू एस माइनस थ्री, एस प्लस टू एस प्लस थ्री, यहाँ पर जो प्लस माइनस साइन है उसका ही चेंज है, इसके वजह से होगा कि आपको आगे पता चलेगा। यहाँ पर आप देखो किसी भी ट्रांसफ़र फंक्शन में जो नंबर ऑफ़ पोल्स और जो नंबर ऑफ़ जीरोज़ होते हैं वो हमेशा बराबर में होते हैं। नंबर ऑफ़ पोल्स और नंबर ऑफ़ जीरोज़ ये हमेशा बराबर में होगी किसी भी ट्रांसफ़र फंक्शन में। कैसा बराबर में हो गया, यहाँ पर तो देख के ऐसा नहीं लग रहा कि नंबर ऑफ़ जीरोस नंबर ऑफ़ पोल्स बराबर में। न्यूमरेटर में हमें दो जीरो मिल रहे, डिनोमिनेटर में तीन पोल मिल रहे, तो नंबर ऑफ़ जीरोस नंबर ऑफ़ पोल्स बराबर में कैसे हो गए। अगर आप रूट लोकस अगर कंट्रोल सिस्टम में बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हो तो आप इसका आंसर जानते होगे कि नंबर ऑफ़ जीरोस और नंबर ऑफ़ पोल्स किस तरीके से बराबर में होते हैं। नंबर ऑफ़ जीरोस और नंबर ऑफ़ पोल्स किसी भी ट्रांसफ़र फंक्शन में वो हमेशा बराबर में होते हैं। ट्रांसफ़र फंक्शन का हमें पता है लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट प्रोवाइडेड डेट और इनिशियल कंडीशंस मस्ट बी जीरो। तो यहाँ पर आप देखो जो नंबर ऑफ़ पोल्स और जो नंबर ऑफ़ जीरोज़ होगी वो बराबर में होगी किस तरीके से होगी। यहाँ पर हमने कंसिडर किया ट्रांसफ़र फंक्शन एच ऑफ एस, और यहाँ पर ये एस माइनस टू और डिनोमिनेटर में एस प्लस वन और एस प्लस टू। यहाँ पर हमें दो पोल दिखाई दे रहा है और एक ज़ीरो दिखाई दे रहा है, मगर जो दूसरा वाला जो ज़ीरो होगा यहाँ पर आप देखो ये वाले पोल के करस्पॉन्डिंग ये वाला ज़ीरो, मगर ये वाला जो पोल है इसके करस्पॉन्डिंग जो ज़ीरो होगा वो कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, इन्फिनिटी पर एग्जिस्ट करेगा। तो यही रीज़न के वजह से जो नंबर ऑफ़ पोल्स और जो नंबर ऑफ़ जीरोज़ होते हैं वो दोनों बराबर में होते हैं। सिमिलरली एक और एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं, एच ऑफ एस इज इक्वल टू एस माइनस टू एस प्लस टू, और यहाँ पर ये एस प्लस वन, ये वाला ज़ीरो इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला पोल, यहाँ पर ये वाला ज़ीरो इसके करस्पॉन्डिंग जो पोल है वो कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, इसके करस्पॉन्डिंग जो पोल है वो इन्फिनिटी पर एग्जिस्ट करेगा। सिमिलरली अगर आपको दो ज़ीरो दे दिया, पाँच रफ एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं, एक आपको ज़ीरो दिया हुआ है और आपको चार पोल दिया हुआ है, तो बाकी के तीन जो जीरो के वो कहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे, इन्फिनिटी पर एग्जिस्ट करेंगे। और सेम पोल के लिए भी चार जीरो दिया हुआ है एक पोल दिया हुआ है, तो बाकी के तीन जो पोल होंगे वो कहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे, इन्फिनिटी पर एग्जिस्ट करेंगे। तो यही रीज़न के वजह से जो नंबर ऑफ़ जीरोस और जो नंबर ऑफ़ पोल्स होते हैं वो हमेशा बराबर में होते किसी भी ट्रांसफ़र फंक्शन में। तो ये LTI सिस्टम का दो जो पॉइंट है आप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन करना। LTI सिस्टम ऐसे सिस्टम होते हैं जिसका इन्वर्स सिस्टम हमेशा कॉजल और स्टेबल रहता है। जो मिनिमम फेज सिस्टम होते हैं, एक LTI सिस्टम को हम लोग मिनिमम फेज सिस्टम तभी बोलेंगे जब उसका इन्वर्स सिस्टम कॉजल और स्टेबल रहेगा। दूसरा, मिनिमम फेज सिस्टम में जितने भी जो पोल्स है वो LHS में लोकेटेड होना चाहिए, एस प्लेन के लेफ्ट हाफ में लोकेटेड होना चाहिए, तब जाके जो इन्वर्स सिस्टम है वो कॉजल रहेगा और स्टेबल रहेगा। तो यहाँ पर आप देखो ये जो पहला वाला जो ट्रांसफ़र फंक्शन है
पहला वाला ट्रांसफ़र फंक्शन, ये वाला जो ट्रांसफ़र फंक्शन हमें जो दिखाई दे रहा है उसको हमने पहला कंसीडर किया, पहला वो जो ट्रांसफ़र फंक्शन है उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया। यहाँ पर ये जो एस है इसके जगह जी ओमेगा, यहाँ पर भी एस के जगह जी ओमेगा, यहाँ पर भी एस के जगह जी ओमेगा। तो अगर हम लोग जी ओमेगा पुट करें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा एच ऑफ जी ओमेगा इज इक्वल टू की साइन जी ओमेगा प्लस टू, यहाँ पर ये जी ओमेगा प्लस थ्री, और डिनोमिनेटर में हमें मिल जाएगा जी ओमेगा प्लस वन, जी ओमेगा प्लस फोर, जी ओमेगा प्लस फाइव। अगर आप फेस एंगल कंसीडर करो तो फेस एंगल आपको मिल जाएगा, न्यूमेरेटर से आपको मिल जाएगा टेन इनवर्स ओमेगा अपॉन टू इमेजिनरी अपॉन रियल प्लस साइन, यहाँ से आपको मिल जाएगा टेन इनवर्स ओमेगा अपॉन थ्री इमेजिनरी अपॉन रियल। सिमिलरली माइनस साइन, आपको पता है फेस एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं, माइनस साइन यहाँ से आपको मिल जाएगा टेन इनवर्स ओमेगा, प्लस साइन यहाँ से आपको मिल जाएगा टेन इनवर्स ओमेगा अपॉन फोर, प्लस साइन यहाँ से आपको मिल जाएगा टेन इनवर्स ओमेगा अपॉन फाइव। यहाँ पर आप ये वाला एंगल और ये वाला फेस एंगल दोनों के बीच का अगर आप डिफरेंस निकालो तो जो डिफरेंस होगा वो आपको मिनिमम मिलेगा, जो डिफरेंस होगा वो आपको मिनिमम मिलेगा। यही रीज़न के वजह से यहाँ पर ये जो ट्रांसफ़र फंक्शन आपको जो दिखाई दे रहा है, जिस भी सिस्टम का ये ट्रांसफ़र फंक्शन है वो जो पर्टिकुलर जो सिस्टम होगा कौन सा सिस्टम होगा, मिनिमम फेस सिस्टम होगा। आप ट्रांसफ़र फंक्शन से भी बता सकते हो कि जो सिस्टम है मिनिमम फेस सिस्टम है या फिर मैक्सिमम फेस सिस्टम है या फिर मिक्स फेस सिस्टम है। सिर्फ आपको देखना है अगर आपको ट्रांसफ़र फंक्शन में अगर प्लस की साइन दिखाई दे रही है तो इसका मतलब क्या है, आपका जो सिस्टम है वो कौन सा सिस्टम है, मिनिमम फेस सिस्टम है। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये दूसरा वाला ट्रांसफ़र फंक्शन कंसिडर कर लेते हैं, ये वाला जो ट्रांसफ़र फंक्शन हमें जो मिल रहा है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, ये वाला जो ट्रांसफ़र फंक्शन हमें जो मिल रहा है, ये वाला ट्रांसफ़र फंक्शन, जिस भी सिस्टम का जो ट्रांसफ़र फंक्शन है वो जो पर्टिकुलर जो सिस्टम होगा वो होगा मिक्सड फेस सिस्टम। तो ये हमें कैसा पता चला, तो ये जो ट्रांसफ़र फंक्शन है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, वो जो ट्रांसफ़र फंक्शन है उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया। एस के जगह क्या पुट करना है, जी ओमेगा। तो अगर हम लोग पुट करते हैं एच ऑफ जी ओमेगा इज इक्वल टू जी ओमेगा माइनस टू, जी ओमेगा प्लस थ्री, और डिनोमिनेटर में जी ओमेगा प्लस वन, जी ओमेगा प्लस फोर, जी ओमेगा प्लस फाइव। अगर आप फेस एंगल कंसीडर करो, फेस एंगल एच ऑफ जी ओमेगा इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको एक माइनस साइन दिखाई दे रही है, इसका मतलब आपको 180 डिग्री मिलने वाला है। माइनस साइन, अगर आपको दो माइनस साइन दिखाई देती तो आपको दो बार 180 डिग्री कंसीडर करना होता। यहाँ पर जीरो में एक आपको माइनस साइन दिखाई दे रही है तो यहाँ पर ये 180 डिग्री, फिर यहाँ से आपको मिल जाएगा माइनस टेन इनवर्स ओमेगा अपॉन टू, प्लस साइन यहाँ से आपको मिल जाएगा टेन इनवर्स ओमेगा अपॉन थ्री, फिर उसके बाद आप देखो यहाँ पर ये माइनस साइन, यहाँ से आपको मिल जाएगा टेन इनवर्स ओमेगा, प्लस साइन यहाँ से आपको मिल जाएगा टेन इनवर्स ओमेगा अपॉन फोर, प्लस साइन यहाँ से आपको मिल जाएगा टेन इनवर्स ओमेगा अपॉन फाइव। यहाँ पर आपको देखो यहाँ पर आपको 180 डिग्री दिखाई दे रहा है, जिसके वजह से होगा क्या, बेसिकली ये जो सिस्टम है जो आज जब फेस एंगल कैलकुलेट करोगे, फेस एंगल जब आप कैलकुलेट करोगे तो जो फेस एंगल होगा एच ऑफ जी ओमेगा वो आपको क्या मिलेगा, मॉडरेट मिलेगा। तो यही रीज़न के वजह से ये जो ट्रांसफ़र फंक्शन हमने जिस भी सिस्टम का कंसिडर किया है वो जो पर्टिकुलर जो सिस्टम होगा कौन सा सिस्टम रहेगा, मिक्स फेस सिस्टम रहेगा। सिमिलरली जो ये वाला जो ट्रांसफ़र फंक्शन है इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, तो जो ट्रांसफ़र फंक्शन है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया, एच ऑफ एस इज इक्वल टू एस माइनस टू एस माइनस थ्री, डिनोमिनेटर में एस प्लस वन एस प्लस फोर एस प्लस फोर, जस्ट वेट फॉर एस प्लस फाइव, ये फोर की जगह फाइव आएगा कर्सर की टिप। तो एस के जगह आपको जी ओमेगा पुट करना है, तो एच ऑफ जी ओमेगा इज इक्वल टू जी ओमेगा माइनस टू जी ओमेगा माइनस थ्री, डिनोमिनेटर में जी ओमेगा प्लस वन जी ओमेगा प्लस फोर जी ओमेगा प्लस फाइव। यहाँ पर आप फेस एंगल कैलकुलेट करो तो यहाँ पर आपको दो बार माइनस साइन दिखाई दे रही है, तो आपको दो बार 180 डिग्री कंसीडर करना है, 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री, फिर उसके बाद माइनस साइन टेन इनवर्स ओमेगा अपॉन टू, यहाँ से आपको मिल जाएगा टेन इनवर्स ओमेगा अपॉन टू, टेन इनवर्स ओमेगा अपॉन टू, प्लस साइन टेन इनवर्स ओमेगा अपॉन थ्री, यहाँ से आपको मिल जाएगा टेन इनवर्स ओमेगा अपॉन थ्री, फिर ये माइनस साइन, यहाँ से आपको मिल जाएगा टेन इनवर्स ओमेगा, टेन इनवर्स ओमेगा, प्लस साइन यहाँ से आपको मिल जाएगा टेन इनवर्स ओमेगा अपॉन फोर, यहाँ पर हमने लिखा, फिर प्लस साइन यहाँ से मिल जाएगा टेन इनवर्स ओमेगा अपॉन फाइव। यहाँ पर आप फेस एंगल कैलकुलेट करो तो जो फेस एंगल आपको जो मिलेगा वो आपको मिलेगा मैक्सिमम। यही रीज़न के वजह से जिस भी सिस्टम का ये पर्टिकुलर ट्रांसफ़र फंक्शन है, ये वाला ट्रांसफ़र फंक्शन है, वो जो पर्टिकुलर जो सिस्टम है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो जो पर्टिकुलर जो सिस्टम है वो होगा मैक्सिमम फेस सिस्टम। तो मिनिमम फेस सिस्टम में आपको ये तीन पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। मिनिमम फेस सिस्टम में जो फेस होती है उसकी जो वैल्यू होती है वो मिनिमम होती है। LTI सिस्टम को हम लोग मिनिमम फेस सिस्टम तभी बोलेंगे जब उसका इन्वर्स सिस्टम कॉजल और स्टेबल रहेगा। तीसरा पॉइंट, मिनिमम फेस सिस्टम में सारे के सारे जो पोल्स है वह एस प्लेन के लेफ्ट हाफ में लोकेटेड होना चाहिए, जब जाके जो इन्वर्स सिस्टम रहेगा वो कॉजल और स्टेबल बनेगा।